नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आपके लिए खुशखबरी है, अब आप ब्रह्मचर्य पालन के दौरान गंदे वीडियोस देख सकते हैं और आपको उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पूरा वीडियो जरा देखते चलो और एक कमेंट आपको बताता हूं, जो पिछली वीडियो में मुझे कमेंट आया था उसको जरा हम देखते हैं। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे एक भाई का कमेंट है। इनका नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा और मुझे पता भी नहीं क्या नाम है क्या नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ इस पर तो नहीं बोलूंगा। बस ये कमेंट एक आया था, गलत बोल दिया भाई आपने, हस्त मैथुन करने के लिए कह दिया। राजीव दीक्षित जी कहते हैं, संभोग करते वक्त जब वीर निकलने को आता है तब वीर नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल, ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अब जरा आगे सुने, पॉर्न वीडियो देखना गलत है। अब ये कह रहे हैं कि वो जो गंदी वीडियो है ये देखना गलत है, लेकिन जो लोग मास्टरबेट के एडिक्ट हैं तो उन्होंने अगर 5-6 महीने ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और जानबूझकर पॉर्न देखते हैं तो क्या हुआ? अगर वो, ध्यान से सुनिएगा, 5-6 महीने ये ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और जानबूझकर वीडियो, गंदे वीडियो देखते हैं तो क्या हुआ? वो कम से कम सिर्फ वो पॉर्न वीडियो देख रहे हैं और हस्तमैथुन नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है, हस्तमैथुन तो छूट गया, अब पॉर्न की लत कैसे छोड़ें ये आपको बता देना था। जो लोग 2 कदम पीछे चल रहे थे वही लोग 10वें नंबर पर आ गए। कृपया आप ठीक पूर्वक जानकारी प्रदान करें। तो आपने सुना ध्यान से, तो ये भाई ने हमसे कहा, ठीक है। अब जरा मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं, शायद इन भाई को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये बस वही है, आजकल युवा 2-3 मिनट की कहीं की भी क्लिप देख लेता है और फिर आके शुरू हो जाता है। अब जरा वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, राजीव दीक्षित जी कहते हैं, संभोग करते वक्त वीर निकलने को आता है तब उसे रोकना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने बिल्कुल कहा है। साथ में एक होता है वीर का दमन करना, ठीक है। अब जरा तुम समझो, हम जब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, ठीक, ब्रह्मचर्य यानी क्या? ब्रह्म से जुड़ना, ब्रह्म की दिनचर्या पर चलना। अब अगर आप उसमें सोच के देखें जरा, खासकर ये बात जो आपने लिखी है कि 3-6 महीने ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और जानबूझकर गंदे वीडियो देखते हैं, तो क्या हुआ? कम से कम सिर्फ पॉर्न देख रहे हैं। मेरे भाई, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? आज कितने ही युवा इस गंदे वीडियोस की लत के चक्कर में ही मास्टरबेशन की लत में फंसे हैं। इन दोनों का बहुत ही गंभीर कनेक्शन है। आज अगर 12-15 साल का युवा उसको गंदा वीडियो को देख लेना, तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ बदलाव होते हैं। वो महसूस करता है कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। इन्हीं वीडियोस की वजह से आज आधे से ज्यादा युवा इस लत में फंसे हुए हैं मास्टरबेशन की। और तुम कह रहे हो सिर्फ, अगर सिर्फ उन्होंने एक 5-6 महीने के ब्रह्मचर्य में, तुम इसे ब्रह्मचर्य कहते हो, 5-6 महीने के ब्रह्मचर्य में सिर्फ अगर उसने देख भी ली तो क्या हुआ? अरे मेरे भाई, तुम क्या बोल रहे हो? ब्रह्मचर्य में किसी स्त्री को ऊपर से नीचे नोटिस तक नहीं किया जाता। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ब्रह्मचर्य में किसी लड़की को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक नहीं देखा जाता। उसके शरीर पर ध्यान तक नहीं दिया जाता कि उसके शरीर में क्या है क्या नहीं है। और तुम कह रहे हो कि 5-6 महीने के ब्रह्मचर्य में अगर हमने खुद से चेष्टा करके खोल के और अगर हमने वो पूरे जो नग्न पड़े हैं उसमें वो जो कर रहे हैं अगर देख भी लिया तो क्या हुआ? मेरे भाई, ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, ठीक है ना। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आप खुद से कोई चेष्टा करते हैं, देखिए फिर से समझाता हूं आप लोगों को, खुद से कोई चेष्टा यानी कि ये हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं ब्रह्मचर्य, आप मुझे ले लीजिए, मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं। अब मुझे 3 महीने हो चुके हैं, आप ये समझ के चलिए। अब मेरे मन में एक विचार आता है, वो विचार मुझसे ये कह रहा है, यार 3 महीने हो गए हैं, फायदे तो मिले हैं लेकिन मेरे अंदर उत्तेजना बहुत बढ़ गई है, मुझे अब वो वीडियो देख लेना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझना, उसके बाद बकवास करना कमेंट में, ठीक है। मैं मेरे बाकी भाइयों को नहीं कह रहा हूं, कुछ नेगेटिव कमेंट वालों को कह रहा हूं। अब उनके मन में वो उत्तेजना आई कि यार मुझे वो देख लेना चाहिए। अब व्यक्ति ने, अब देखो उसके मन में आया, अब ये मेरा हाथ, पड़ोसी का हाथ नहीं है, ये आया, ये मोबाइल मैंने उठा लिया। अब मोबाइल फोन पर मैंने खुद ने मैंने यहां सर्च किया गंदे वीडियो और उसको देख लिया और फिर एकदम छोड़ के कि नहीं, मैंने सिर्फ देखा है, मैंने खंडित नहीं किया है मेरा ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब वो व्यक्ति, अब उसके साथ क्या होगा? अब उसके साथ ये होगा कि उसके अंदर मन, एक मन चाल चलेगा उसकी, वो ये होगा, मन उसको ये कहेगा कि यार अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब अगर मैं देख भी लूंगा मुझमें इतना कंट्रोल आ गया है कि मैं अपने वीर को निकलने नहीं दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, वो उसका मन उससे ये कहेगा कि भाई अब मैं अपने वीर को निकलने नहीं दूंगा और मैं जो चाहे देख सकता हूं, मुझ पर इतना कंट्रोल आ गया। अब वो व्यक्ति फिर से देखेगा, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन, धीरे धीरे करके वो फिर उस जाल में फंस जाएगा और 11वें दिन फिर जो है मास्टरबेट कर देगा और दिन रात उसके दिमाग में यही चलेगा। एक बार अगर ब्रह्मचर्य में रहते हुए आपने कोई अश्लील वीडियो देख लिया ना, तो आपका दिमाग भी गर्मा जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा यार मैंने गलती कर दी। मन कह रहा होगा तुमने गलती करी, ये मनी तुम्हें बहकाएगा, मनी तुम्हें कभी सही रास्ता दिखाएगा, ये दोनों तरफ तुम्हें कहीं ना कहीं है ना भटकाने की कोशिश करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब ऐसे में टेंशन होना, रात में फिर गंदे सपने आना, डरावने सपने आना, कुछ इस तरीके से होगा। और फिर सुबह सुबह नाइटफॉल होना, चिपचिपा पानी निकलना, बाथरूम में जाना और फिर बाथरूम के साथ वीर निकलना। बात समझ रहे हो? देखो मेरे भाई, मैंने अनुभव लिया है इन चीजों का, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है
कि मेरी बात गलत है, तो आप जाइए किसी गुरुजन के पास, किसी सन्यासी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि ना बाबा जी 5-6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, हमारा मास्टरबेशन एडिक्शन तो छूट गया, तो क्या हम वो गंदे वीडियो देख लें, सिर्फ गंदे वीडियो देख लें? वो आपको सटीक जवाब दे देंगे, मुझसे अच्छा ब्रह्मचर्य आपको वो लोग समझा देंगे। ठीक है ना भाई, ब्रह्मचर्य का तुम का हलवा समझते हो क्या कि कोई नौफेब समझ लिया है? ब्रह्मचर्य एक महान तपस्या है भाई। इस तपस्या में तुम, जैसे कि मैंने कहा, स्त्री को घूरना तो दूर, ऊपर से नीचे नोटिस नहीं करना कि ये आई रे भैया ये देख लिया ऊपर से नीचे, और तुम कह रहे हो कि सिर्फ देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? मेरे भाई बर्बाद हो जाओगे। आज इन्हीं के चक्कर में कितने मुझे रोज के मैसेजेस आते हैं, कितने वीरे दमन का मतलब समझते हो, मुझे रोज के कितने मैसेजेस आते हैं, रोज के मैसेजेस में देखता हूं और उसमें बताते हैं भैया इतने दिन से कर रहा हूं लेकिन मैंने जब मास्टरबेट किया तो मेरा वीर जो है पीला कलर का निकला, समझते हो इसका मतलब? सड़ गया उसका वीर, वो उसको रूपांतरित नहीं कर पाया। और व्यक्ति अपने वीर की ऊर्जा को तभी रूपांतरित कर सकता है, कब रूपांतरित कर सकता है? तभी जब वो अपने सारे पुराने अभ्यासों को बदले, गंदी चीजें देखने से लेकर शरीर से जो कर्म वो कर रहा है ना, जो भी वो गलत कर रहा है, उन सबको बदल के रख दे। हर एक चीज बदलनी पड़ती है ब्रह्मचर्य में। और अगर मेरी इस बात को कोई झूठा साबित कर दे तो जाओ पूरे यूट्यूब पे पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, ठीक है ना, कोई अगर मेरी इस बात को झूठा साबित कर दे कि ब्रह्मचर्य में तुम गंदे वीडियो देख सकते हो, नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। मेरे चैनल पे झूठ नहीं चलता, मैं अपने अनुभव पर बात करता हूं भाई। मैं चाहता हूं मेरे भाई सही रास्ते पर चले। अगर वो कुछ भाई कहते हैं भैया आप मिसगाइड कर रहे हैं, मैं मिसगाइड कर रहा हूं। अगर मुझे मिसगाइड करना ही होता तो मैं ब्रह्मचर्य चैनल क्यों बनाता? मेरे पास क्या और कुछ यूट्यूब की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है मुझे? मैं चाहता तो दूसरा कोई कंटेंट बना सकता था, अश्लील कंटेंट, और लाखों में भी उसला सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जो बेचारे एडिक्शन में फंसे हुए हैं। बात समझ रहे हो? आज मुझे थोड़ा गुस्सा भी इसलिए आया, मैंने कहा यार बताए कैसे हमारे भाई लोग, कुछ मैं सभी भाइयों को नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे भाई जो पुराने वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं, कुछ भाई हैं ऐसे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है और अगर आपको ऐसा लगे कि भैया आपकी बात गलत लग रही है हमें, तो आप स्वतंत्र हैं, मैंने आपको बांध के नहीं रखा। आपको देखना हो देखिए वीडियोस, नहीं देखना मत देखिए। मैं तो बस एक ही चीज कहता हूं भाई, मैं अपने अनुभव पर बात करता हूं, मैंने अच्छा खासा अनुभव लिया है इन सब चीजों से और समझा, ठीक है? तो मैं आपको वही कह रहा हूं, बाकी आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे और साथ में गंदे वीडियोस भी देखते चलते हैं, इधर भी इंद्रियों को सुख मिलेगा, इधर भी करते रहेंगे फायदे भी मिलेंगे, तो भैया आपकी जैसी इच्छा, करते रहिए। मेरा बस आपका एक, मेरा एक ही उद्देश्य है, आप उन गलत वीडियोस से बाहर निकल जाए। गलत वीडियोस, गंदी आदत, गलत वीडियोस से ही व्यक्ति मास्टरबेट करता है। कुछ गलत चित्रण देखेगा, गलत गंदे वीडियो देख लेगा, उसके बाद वो क्या अपने आप को काबू कर पाएगा? उसकी वासना तुरंत भड़क जाएगी, आग में घी डालने वाला काम हो गया, तुरंत भड़क जाएगी और वो मास्टरबेट करेगा। और आप जो कह रहे हैं ना, ये क्या क्या ये इन्होंने कहा था कि भैया कोई अगर 10-20 दिन कर ले तो आप तो उसको तोड़वा दोगे, वो 5-6 बार कर लेगा। अरे कर लेने दो, कम से कम गलत तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन मत करो, ठीक है? वो 5-6 बार अगर कर रहा है ना, उसे कर लेने दो, ठीक है, निकाल ले तो अपनी जितनी भड़ास निकाल सकता है भाई, तो जितना निकाल सकते हो निकाल लो, तो लेकिन सही तरीके से करो, ठीक है? देखो मन में वासना आ रही है, विचार चल रहे हैं, हमें जानबूझ के कब रोकना होता है वीर को? जब हम खुद से कोई चेष्टा नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम खुद से कोई चेष्टा नहीं करते, जैसे कि फोन है, मैं इसका सही उपयोग कर रहा हूं, मैं इसमें गलत चीजें नहीं देखूंगा। अब मेरे मन में विचार आ रहा है गंदा, हाँ आ रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है, अब मैंने उस विचार में प्रबलता नहीं दी है। विचार में प्रबलता देना यानी कि मेरे मन में विचार आया, यार इसको सर्च करता हूं, उसकी कोई नई वीडियो आई होगी, सर्च करता हूं। विचार आया, प्रबलता कब दी? मैं इसको सर्च करता हूं, अब अपने हाथों से अपनी इंद्रियां, ये प्रबलता देना होता है। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर हम विचार आया नहीं, मैं ब्रह्मचर्य का हूं, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तो हमने इस विचार को काट दिया। तो मेरे भाई आपको मेरी बात समझ में आई? देखिए आपको अच्छे समझ में आ गया, आपके दिमाग में जब गंदे विचार आते हैं बिना कोई चेष्टा किए, चेष्टा कैसे, कोई आपने कुछ जानबूझ के गलत देख लिया, आप गलत पूरा नोवस को देख चुके हैं, खुद ने सर्च किया है गंदे वीडियोस, ये आपने जानबूझ के किया है, खुद से चेष्टा की है, ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मचर्य खंडित माना जाएगा। हमें अपनी इंद्रियों पर भी, ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम पाना होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको बस ऐसे विचार आ रहा है, जैसे कि मैंने भी आपको उदाहरण दिया, विचार आ रहे हैं, मैंने इसे काट दिया, यहां पे हमें अपने आप से जबरदस्ती करनी है कि नहीं, मैंने खुद से कोई चेष्टा नहीं करी है, बस विचार आया है, मैंने उसको काट दिया। मुझे किसी, कोई भी माई का लाल जो है ना, मुझे भटका नहीं सकता, ना कोई गंदे वीडियो, ना कोई गंदा विचार, कोई नहीं भटका सकता। वहां पर आपका ब्रह्मचर्य बिल्कुल सही चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? और अगर इतने करते, अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है, तो मेरे भाई ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, मैंने आपको कह दिया। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, तो आप अपने हिसाब से अपने ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है? मैं जो सही जानकारी है वही आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है भाई? मैं किसी कमेंट पर देखो रिएक्ट नहीं करता, ये भाई तुम्हें कह रहे थे भाई आपने जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। दोस्त मैं क्या रिप्लाई दूं आपको? मैंने इतने स्पष्ट रूप से वीडियोस में, आप पूरे उस वीडियो में आपको समझाया, लेकिन आप समझ नहीं सके, समझ नहीं पाए आप बात को बराबर तरीके से। अब मैं उसमें कमेंट में लिखूं, रिप्लाई करूं, फिर दो लोग और रिप्लाई करेंगे, फलाना हमका डिमका, मैं चाहता था आपके कमेंट को पिन कर देता, 10 लोग आते, फिर ये होती, फिर वो फलाना की गर्म खून लड़ाई झगड़े, इसलिए मैंने वो नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर दिया, ताकि कोई और दूसरा देख के उसको बहके नहीं, कोई गलती ना करे,
ठीक है। अक्सर मैंने देखा है जब भी मैं वीर दमन इस पर बात करता हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगती है कि आप गलत बोल रहे हैं। मेरे भाई, अपने आप से जबरदस्ती तब करो जब हमने कुछ गलत नहीं देखा फोन में, कोई गलत हमने अपना गंदे वीडियो देखे कुछ गलत नहीं देखा, मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने लक्ष्य पर फोकस हूँ, तब अपने ऊपर जबरदस्ती करो कि आपको गंदा विचार आया तो क्या मुझे मास्टरबेट कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे मास्टरबेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं देखा है, सिर्फ एक विचार आया, मैंने उस विचार को काट दिया, मैं मेहनत से आगे बढ़ूंगा बस। और अगर आपने इतने करते ब्रह्मचर्य के बीच में एक आध बार गंदे वीडियो देख लिए और आपकी उत्तेजना बहुत मतलब ऐसी बढ़ रही है कि यार मुझे करना है, तो उसे कर लो, उसे रोकते नहीं गंदे वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और अगर आपको मन कह रहा है, आपका मन से आप देखो समझो उस चीज को, अपने अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करो, देखो कि यार मैंने देख लिया लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप मत करो। बात समझ में आ रही है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यही कहूंगा, गंदे वीडियो देख रहे हो ब्रह्मचर्य में तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, आप गलत जा रहे हो भाई, गलत जा रहे हो। बाकी आपकी जैसी इच्छा, रोकोगे दमन करोगे परिणाम आपको मिलेगा, कोई फायदे नहीं मिलेंगे, स्ट्रेस बन जाएगा ब्रह्मचर्य आपके। चलिए बहुत लंबा बोल दिया, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। धन्यवाद।